बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आपको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान मुबारक के हवाले से अफ्तारी के लिए कटलस, आलू के कटलस, जो कि आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक दफ़ा बना लें और पूरा महीना आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। ना तो इसमें अंडा लगाने की झंझट है, ना इसको आपने कोई स्लैरी लगाकर इसको तलना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस निकालें और इसको तल लें अफ्तारी के टाइम के लिए, बहुत आसानी हो जाती है। तो बहुत ही जायकेदार बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने पहले से ही बहुत सारे काम करके रखे हुए हैं। आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, मेरा वॉच टाइम पूरा करने में मेरी मदद करें, नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा जी, तकरीबन 3 पाव आलू उबालकर छीलकर मैंने उसको ग्रेट कर लिया है। देखें, आप किसी भी तरह मैश कर सकते हैं, बस इसमें दाना नहीं होना चाहिए। 2 खाने के चम्मच है धनिया पाउडर, बहुत ज़रूरी है डालना, बहुत अच्छा लगता है, जायकेदार है और हाजमेदार है। और 1 चाय का चम्मच है जीरा पाउडर, और 1 चाय का चम्मच है चाट मसाला, आधी चाय की चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए, एक चाय का चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच है अजवाइन, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच जीरा है, 1 चाय का चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है नमक हसबे ज़रूरत। ये तमाम मसाले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसमें डाल देते हैं। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है बहुत बारीक सा, और 8 हरी मिर्चें थी मेरे पास उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसलिए कि हरा धनिया इसमें अच्छा लगता है। अच्छा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और अभी मज़ीद इसमें क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मिक्स करने के बाद नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, वैसे थोड़ा सा हल्का ही रखें तो अच्छा लगता है अफ्तार के लिए, क्योंकि मैदा पूरे दिन का हमारा खाली होता है और वैसे भी हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, अल्लाह ना करे। एहतियात अच्छी चीज़ है, तो मसाले थोड़े से हल्के रखें। इसको मिक्स करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, मिक्स कर दिया अच्छा सा। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के बेसन और 2 खाने के चम्मच भर के मैदा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये मैंने भुनी हुई हैं, पहले तवे पर मैंने इनको भून लिया था, आप भी भून लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसको मिक्स करते हैं हम अच्छा सा। नमक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं कटलेट्स बनाऊँगी इसकी और आपसे मिलती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। आप इसको एक प्लास्टिक शीट में डालकर और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जब चाहें निकाल कर तो फ्राई करें। मैं आपको 2 कटलेट्स जो हैं वो फ्राई करके दिखाती हूँ। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी। यहाँ पर मैंने तवे पर घी डाला हुआ है, घी गर्म है, और मैं इसको फ्राई करती हूँ। घी को गर्म करने के बाद मीडियम कर दें, मीडियम से थोड़ा नीचे ही है, थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। ये देखें, आराम से इसको पलट देंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ठीक है, और हल्के हल्के से सिकाई करेंगे। तो मैं आपको अच्छे तरीके से, आपने अंदर तक सेंकना है इसको, तो मैं आपको इसको तैयार करके फिर दिखाती हूँ। जी जी, हल्की आंच पर कबाब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे से कलर आ गए हैं इन पे। और अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता से हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, थोड़े से गर्म हैं, थोड़े से ठंडे हो जाए तो फिर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है। तो ये देखें, मैं छुरी के साथ आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने खस्ता हैं, कितने नरम से हैं। ये देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हमारे तैयार हुए हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।